दोस्तों हम वोल्टेज स्टेबिलिटी रिपेयर के बारे में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें हम आपको वोल्टेज स्टेबिलिटी रिपेयर के बारे में सिखाएंगे, नए स्टेबिलिटी को बनाने के बारे में सिखाएंगे, तो आपको काफ़ी अच्छे से काफ़ी सारे फॉल्ट वगैरह बताएंगे ताकि आप बहुत अच्छे से अपना वर्क कर सकें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक बॉक्स लगा हुआ है दीवार में। ये बॉक्स कोई ऐसा वैसा बॉक्स नहीं है, तो आपने अक्सर इन्वर्टर या स्टेबिलाइजर रिपेयर की दुकान पर देखा होगा इस टाइप का एक बोर्ड लगा होता है यहाँ पर। अभी देखिए बोर्ड कंप्लीट नहीं है, हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से आप इस बोर्ड को बना सकते हैं जिससे आप इन्वर्टर या फिर स्टेबिलाइजर वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी बारे में है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं कटिंग कर रखी है, हमें जो जो इसमें मीटर वगैरह लगाने हैं, जो स्विच सॉकेट वगैरह लगाने हैं, डिमर लगाना है, वो सब हमने इसमें कटिंग करा रखी है। तो इसके कनेक्शंस कैसे करेंगे, फिटिंग कैसे करेंगे, वो सब आपको बताते हैं। तो फिर आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सब अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों आप थोड़ा सिस्टम समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बल्ब होल्डर लगाएंगे जो कि हमारा सीरीज के लिए होगा। सीरीज देखिए स्टेबिलाइजर टेस्टिंग या फिर इन्वर्टर टेस्टिंग या किसी भी चीज़ की टेस्टिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर हम सीरीज बल्ब नहीं लगाते हैं तो हम कोई भी चीज़ अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाएंगे। कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट है या फिर कोई ख़राब है, कुछ भी है, तो इसके लिए पहले सीरीज बल्ब होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम बल्ब होल्डर लगाएंगे जिसमें हम सीरीज का बल्ब लगा सकेंगे। और देखिए दोस्तों इसके बाद में आपको ये दो गोल गोल आपको सुराख दिखाई पड़ रहे हैं, होल दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई इंडिकेटर लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम कोई इंडिकेटर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम मीटर लगाएंगे। जी हाँ, मीटर लगाएंगे, छोटे साइज के मीटर हैं और बहुत अच्छे मीटर हैं, डिजिटल मीटर हैं जो हमारा काफ़ी कम स्पेस लेंगे। वैसे आमतौर पर यहाँ पर हम एनालॉग मीटर लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जगह घेरते हैं वो, लेकिन यहाँ पर हम छोटे मीटर लगाएंगे। मीटर भी आपको दिखा देंगे अभी, आप समझ लीजिए। यहाँ पर हम एक मीटर यहाँ पर लगाएंगे और एक मीटर हम यहाँ पर लगाएंगे। और देखिए यहाँ पर हम इन्वर्टर टेस्टिंग के लिए भी कुछ बोर्ड में अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम एक एम्पीयर मीटर लगा देंगे 72 mm के साइज का। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पर जो मीटर लगाया है उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी हम लगा देंगे। यहाँ पर एक MCB लगाएंगे जो कि डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट होगी। इसे हम इन्वर्टर का जो बैटरी का जो करंट आएगा इन्वर्टर टेस्टिंग के लिए, इसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और एक वोल्ट मीटर हम यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर देखिए हमारा डिमर आ जाएगा। डिमर के लिए इसमें हमने 2 ampere का डिमर यूज़ करेंगे। डिमर आप चाहो तो 4 ampere का यूज़ कर सकते हो, 6 ampere का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है 2 ampere का डिमर सफिशियंट रहता है। अगर आप 5 kV या फिर 10 kV तक का भी स्टेबिलाइजर चेक करो तो 2 ampere का डिमर सफिशियंट रहता है। यहाँ पर देखिए हम 2 socket यूज़ करेंगे 15 ampere के, एक हमारा सीरीज के लिए हो जाएगा और यहाँ पर एक स्विच एक सॉकेट हमारा हो जाएगा जो कि हम डिमर का आउटपुट निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 2 socket लेंगे और बीच में हम 4 switch लेंगे। 4 switch हम यहाँ पर इसलिए लेंगे कि हम बोर्ड के ऊपर यहाँ पर हम 4 bulb लगाएंगे लोड के लिए 100-100 watt के। और ये बल्ब होल्डर आप कहीं पर भी लगा सकते हो, लेकिन हम इसके ऊपर लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसके लिए हमने 4 switch ले रखे हैं ताकि एक एक करके हम स्विच ऑन करें इन्वर्टर टेस्टिंग के समय और अलग अलग लोड डाल सकें, ताकि अगर 100 watt देना है तो एक स्विच खोलेंगे, 200 watt के लिए दूसरा स्विच, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। एक सॉकेट हम इन्वर्टर की आउटपुट के लिए लेंगे, यानी इन्वर्टर वगैरह कभी भी हम टेस्ट करेंगे तो आउटपुट लगा देंगे यहाँ पर सॉकेट में, आउटपुट का कनेक्शन दे देंगे ताकि इन्वर्टर हमारा आउटपुट दिखाए। और एक सॉकेट जो हम लेंगे ये हम इनपुट ले लेंगे केवल यहाँ पर, ताकि हम कभी अपना आयरन वगैरह गर्म करने के लिए लगा सकें। वैसे आप अपने हिसाब से जगह की सेटिंग कर सकते हो, हमें ये सेटिंग सही लगी तो हमने इस हिसाब से की, आप अपने हिसाब से स्विच सॉकेट की तादाद कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो चलिए आप सारा सामान इसमें फिट करते हैं और फिर से कनेक्शन करते हैं, आपको लगा के बताते हैं, चला कर बताते हैं। दोस्तों स्विच सॉकेट वगैरह के बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा, लेकिन अब थोड़ा कुछ और पार्ट्स के बारे में समझ लीजिए जो हम बोर्ड में यूज़ करने वाले हैं। देखिए MPMeter जैसा कि आपको बताया था इन्वर्टर टेस्टिंग में काम में आएगा, डिमर सबसे मेन चीज़ यही है स्टेबिलाइजर टेस्टिंग में, डिमर इसे हम फिट करेंगे, 2 ampere का डिमर है ये। और देखिए 2 meter जो हम यहाँ पर फिट करने वाले हैं, आपको बताया था मैंने ये थोड़ा स्पेशल मीटर है, ये हमें वोल्टेज एम्पियर और फ्रीक्वेंसी सारी चीज़ें बताएगा। ये भी इन्वर्टर टेस्टिंग के लिए है, हम एक ही बोर्ड में इन्वर्टर टेस्टिंग का और स्टेबिलाइजर टेस्टिंग का दोनों का ही बनाएंगे, ठीक है। ये हमें तीनों चीज़ें बताएगा। वैसे एम्पियर चेक करने के लिए हमने ये मीटर भी लगा रखा है और ये मीटर भी हमारा दोनों ही काम करेगा, लेकिन हमने 2 meter लगा रखे हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
इस समय आसानी ही रहेगी टेस्ट करने में, दो जगह हम टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा मीटर है, इसकी खासियत यह रहती है छोटी सी जगह पर आप इसे यूज़ कर सकते हो, कहीं साइट पर आपको इन्वर्टर टेस्टिंग के लिए जाना होता है वहाँ पर भी आप इसे ले जा सकते हो। इसमें आपको एम्पेयर भी बताएगा, वोल्टेज भी बताएगा और फ्रीक्वेंसी भी बताएगा। और देखिए एक मीटर हम यूज़ करेंगे, ये केवल वोल्टेज बताएगा, इसे हम इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करेंगे ताकि हमें मालूम पड़ता है हमारे बोर्ड में करंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है और कितना वोल्टेज हमारे बोर्ड में आ रहा है, इसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे मर्जी आप चाहो यूज़ करो, चाहो तो यूज़ ना करो, लेकिन हम इसे यूज़ करेंगे ताकि हमें मालूम पड़ता रहे हमारे बोर्ड में करंट आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देखिए हमने ज़्यादातर स्विच सॉकेट और ये होल्डर और ये वोल्ट मीटर ये सारे लगभग इंस्टॉल कर लिए हैं, सब कुछ फिट कर लिया है इस पर बोर्ड पर। अब हमने देखिए अभी डिमर नहीं लगाया है, डिमर के कनेक्शन हम बाद में करेंगे, अगर डिमर हम अभी फिट कर देते हैं तो फिर कनेक्शन करने में दिक्कत होगी क्योंकि डिमर का वजन बढ़ जाता है। ये MCB हमने नहीं लगाई है, ये इन्वर्टर सेक्शन का काम है तो इसकी हमें अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ये पूरा इन्वर्टर सेक्शन का है तो इसे कनेक्शन भी हम बाद में करेंगे। एम्पीमीटर भी इन्वर्टर सेक्शन पर है, इसे कनेक्शन भी हम बाद में करेंगे। और ये मीटर भी हमने इन्वर्टर सेक्शन पर ही दे रखा है लेकिन आपको इसे कनेक्शन बता देंगे, लेकिन अभी हमें इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है अगर हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए बोर्ड तैयार कर रहे हैं। अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी केवल सीरीज बल्ब की। और ये देखिए सेक्शन हमने जो दे रखा है, ये हमने स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए दे रखा है, एक सॉकेट हम सीरीज के लिए बनाएंगे और ये स्विच सॉकेट जो है ये हमारा डिमर से कनेक्ट रहेगा। इसके अलावा देखिए जो ST3 है और ये जो टर्मिनल्स हैं ये बैटरी लीड के लिए है, ये भी इन्वर्टर सेक्शन का काम है तो ये सब हम बाद में करेंगे। अभी आपको हम स्टेबिलाइजर सेक्शन में हमारी जो चीज़ें काम में आने वाली हैं वो चीज़ें कनेक्ट करके आपको यूज़ करके चला कर बताते हैं। दोस्तों ये देखिए हमने बोर्ड को घुमा लिया है ताकि आपको कनेक्शन समझने में आसानी रहे। सबसे पहले हम इसमें न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन देंगे इनपुट लाइन से, तो उसमें फेस हमारा इस स्विच पर जाएगा, इस स्विच आपने जो देखा था आगे, इस स्विच में हमारा फेस का वायर आ जाएगा जो हम मेन लाइन का फेस देंगे इसमें। ठीक है, और न्यूट्रल जो आएगा हमारा वो हमारा इस सॉकेट पर जाएगा जो कि हमने डिमर के लिए बना रखा है आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर हमारा न्यूट्रल आ जाएगा और न्यूट्रल का एक वायर हमारा सीरीज वाले सॉकेट पर भी कॉमन हो जाएगा तो हम यहाँ पर न्यूट्रल कॉमन कर देंगे। और यहाँ से अब देखिए हमारा जो न्यूट्रल और फेस बचा, तो फेस का वायर हम स्विच के दूसरे पॉइंट के थ्रू डिमर पर लगा देंगे, डिमर की जो इनपुट होगी, और न्यूट्रल का वायर भी हम डिमर के न्यूट्रल पर लगा देंगे। तो इस तरह से डिमर पर न्यूट्रल और फेस कंप्लीट हो जाएंगे और फेस जो जाएगा स्विच के थ्रू जाएगा, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट हो जाएगा और डिमर पर से हमारा जो एक वायर निकलेगा आउटपुट वाला फेस वो हम सीधे ले जाकर सॉकेट पर इंस्टॉल कर देंगे। इस तरह से सॉकेट पर हमारा फेस और न्यूट्रल दोनों आ जाएगा, फेस हमारा सीधे नहीं आएगा, फेस हमारा डिमर के थ्रू होकर इस पर आएगा। इस तरह से इसे कनेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम सीरीज के कनेक्शन करेंगे। दोस्तों सीरीज का कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ से जो हमारा मेन इनपुट आ रही है स्विच पर, यहीं से हम एक वायर उठा लेंगे। ध्यान दीजिएगा जहाँ पर हमारी मेन इनपुट आ रही है वहाँ से उठाएंगे, स्विच के बाद नहीं। तो यहाँ से हम एक फेस का वायर उठाकर सीधे बल्ब होल्डर पर ले जाएंगे। देखिए बल्ब होल्डर जो है ये बल्ब होल्डर पर हम कनेक्ट कर देंगे और बल्ब होल्डर के दूसरे पॉइंट से हम एक वायर उठाकर सीधे सॉकेट पर कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से सीरीज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जब हम बल्ब होल्डर पर बल्ब लगा देंगे तो जो हमारा फेस आएगा बल्ब के थ्रू होकर यहाँ पर आएगा और सीरीज हमारी अच्छे से वर्क करेगी। तो चलिए अब ये कनेक्शन भी कर देते हैं। और इसके अलावा देखिए जो हमने मीटर लगा रखा है इस पर, ये जो मीटर लगा हुआ है ये हमने इसलिए लगा रखा है ताकि हमारा ये बोर्ड में जैसे ही करंट आए ये वोल्टेज हमें बताता है, जैसे हम डायरेक्ट न्यूट्रल फेस पर ही कनेक्ट कर देंगे, यानी जो फेस और न्यूट्रल इसमें आएगा डायरेक्ट ही आएगा क्योंकि हम कोई स्विच नहीं लगाएंगे। लगाने को हम स्विच भी लगा सकते हैं लेकिन हम इसमें स्विच नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये कनेक्शन करते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं इसे चेक करके। दोस्तों ये देखिए हमने इसकी वायरिंग कर ली है ज़्यादातर, जैसे आपको बताया था ये सीरीज का हमारा वायर आ गया सॉकेट में और ये हमारा डिमर की जो आउटपुट आएगी वो हो गया और मेन स्विच डिमर के लिए। और ये जो मीटर के वायर आप देख रहे हैं पतले वायर, ये हम केवल इनपुट के लिए हमने दे रखा है, इस पर कोई लोड नहीं पड़ना है इसलिए बहुत हल्का वायर यूज़ किया है। बाकी हमने इस पर ये थोड़ा 1 mm का वायर यूज़ किया है जो इसके लोड के लिए सफिशेंट है। ठीक है, अब इसमें हम मेन इनपुट डाल सकते हैं। पहले आपको डिमर कनेक्शन भी बता देते हैं, डिमर कनेक्शन कैसे होंगे ये देखिए। देखिए दोस्तों डिमर हमारा इस तरीके से फिट होगा, ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो इसमें फिर इसे कनेक्शन समझ लीजिए, ये देखिए ये जो आप ये पत्ती देख रहे हैं ये यहाँ पर इस पॉइंट पर निकली है, ये हमारी डिमर की आउटपुट होगी, यानी यहाँ से हमारा जो कनेक्शन निकलेगा ये इस सॉकेट का फेस हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये जो इस पर लास्ट में देखिए पॉइंट दे रखा है,
यहाँ पर हमारा न्यूट्रल आ जाएगा, जो मेन लाइन का न्यूट्रल है, हमने सॉकेट वगैरह भी कॉमन कर रखा है, ये सीधा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये न्यूट्रल और फेस आउटपुट का हो जाएगा, न्यूट्रल इनपुट आउटपुट दोनों पर कॉमन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दो पॉइंट बचे हैं, ये दोनों फेस से कनेक्शन के लिए है। अगर हम इस वाले पॉइंट पर फेस से कनेक्शन देते हैं, जो स्विच के थ्रू हमारा फेस जाएगा इसमें डिमर में, तो अगर हम यहाँ पर कनेक्शन देते हैं तो फिर डिमर हमारे जितने वोल्टेज हम इसमें मैक्सिमम दे सकते हैं, यानी 250 260 मैक्सिमम जितने भी दे सकते हैं उतने ही वोल्टेज निकालेगा, अपने पास से कुछ भी नहीं बढ़ाएगा। और अगर फेस का वायर हम यहाँ पर न लगाकर इस पर लगाते हैं, जो कि देखिए आउटपुट के पास में है, अगर हम यहाँ पर लगाते हैं फेस का वायर इनपुट फेस, तो फिर डिमर हमारा 20-30 वोल्ट बढ़ाकर आउटपुट निकाल सकता है। यानी अगर मान लीजिए हमने मैक्सिमम वोल्टेज से 250 वोल्ट दिए, तो ये अपने पास से 20 या 30 वोल्ट बढ़ाकर उसे 270 वोल्ट कर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसका कनेक्शन यहाँ पर ही करेंगे ताकि हमें वोल्टेज कुछ बढ़कर मिल सके, कभी हमें ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है तो फिर हम यहाँ पर इसका कनेक्शन कर देंगे। और इसके बाद हम डिमर को बोर्ड में फिट कर देते हैं। अभी हमारा बोर्ड लगभग फाइनल हो गया, इसके बाद हम जो इसकी सेटिंग है, जो इसे फिनिशिंग है, हम बाद में कर लेंगे, लेकिन आपको चेक करके भी दिखा देंगे। दोस्तों इसके कनेक्शन हमने कर लिए हैं, मीटर पर आपको वोल्टेज दिखाई पड़ रहे होंगे, ये हमारा 248 वोल्टेज दिखा रहा है। अब आपको दिखाते हैं हमारा डिमर कैसा वर्क कर रहा है। ये देखिए स्विच हम ऑन करेंगे, स्विच ऑन कर दिया हमने, और ये मीटर देखिए हमने इनपुट पर लगा रखा है, यानी जो हमारा स्टेबलाइजर की इनपुट होगी वही मीटर हमने सीधा इस सॉकेट से इसे कनेक्शन कर रखा है। आउटपुट के लिए हमने इस मीटर कोई नहीं लगाया, आउटपुट के लिए मीटर हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बोर्ड हमने बनाया है आमतौर पर वीडियो बनाने के लिए, लगाया टेस्टिंग करने के लिए, तो बोर्ड पर मीटर लगा होता है तो आउटपुट देखने में दिक्कत होती है। हम सीधे स्टेबलाइजर की आउटपुट पर एक मीटर लगाकर आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं, वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। आप चाहो तो इस पर एक मीटर इनपुट पर और एक मीटर आउटपुट पर लगा सकते हो। ठीक है, आपको चलाकर दिखाते हैं। ये देखिए हमने स्विच ऑन किया और जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे ये मीटर हमारा वोल्टेज बढ़ाकर आपको दिखाएगा। ये देखिए ये हाईएस्ट, और धीरे धीरे से हम कम करेंगे। यहाँ पर सॉकेट पर हमारे करंट आता रहेगा क्योंकि मीटर सीधा सॉकेट से ही कनेक्ट है। ऑफ ऑन, और सीज पर हम ये बल्ब लगा देंगे तो सीज का सॉकेट भी हमारा बढ़िया काम करेगा। तो इस तरह से ये बोर्ड हमारा रेडी हो चुका है। दोस्तों उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो हमारा पसंद आया होगा। और रही बात ये इन्वर्टर सेक्शन की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन्वर्टर सेक्शन कनेक्शन भी करके बताएंगे ताकि आपको वो भी अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।